गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर AK चौबे पुनः एक बार आपके सामने हाजिर हूँ आपसे विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए, मैं अपने ट्विटर पर ट्वीट किया किया है मैंने दो बार, गुजरात के इलेक्शन के बारे में, हिमाचल के इलेक्शन के बारे में, और मैं वीडियो भी डाले हैं छोटे छोटे दो पहले, और उनमें बताया है मैंने कि क्या परिणाम आने वाले हैं गुजरात के और हिमाचल के इलेक्शन के। तरह तरह की भ्रामक न्यूज़ मिल रही हैं चैनल्स पर, तरह तरह के जो चैनल्स दिन दिन पार्टियों को फेवर करते हैं या कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, वो चैनल्स व्यर्थ के फजूल के आंकड़े दे रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई आप पार्टी को उठा के आसमान पर ले जा रहा है, कोई कांग्रेस को ले जा रहा है, क्यों, जो BJP के अगेंस्ट है। देखिए, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं वास्तव में एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से बताता हूँ, और मुझे किसी पार्टी से संबंध नहीं है, ना मैं कोई पार्टी का मेंबर हूँ और ना ही पार्टी विशेष को फेवर कर रहा हूँ। लेकिन जो ग्रह बता रहे हैं उनके हिसाब से मैंने ट्वीट भी किया था और पिछले महीने कुछ छोटे छोटे एपिसोड भी बनाए थे। आपको पुनः बता दूं कि 8 दिसंबर को जो परिणाम आने वाले हैं उनमें क्या नतीजा आने वाला है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को जो नतीजे आ रहे हैं उनमें BJP की सरकार पुनः बन रही है। 39 यानी 39 प्लस माइनस 5 सीट लेकर के 39 प्लस माइनस 5 यानी 42-43 तक भी हो सकती हैं और 36-37 भी आ सकती हैं, मानी मेजॉरिटी तो आ जाएगी। BJP की क्लियर मेजॉरिटी आ रही है, और BJP मैं ज्योतिष के अनुसार गणना से बता रहा हूँ 39 प्लस माइनस 5 सीट्स के साथ BJP पुनः हिमाचल में सरकार बना रही है। कुछ भी कहते रहिए, लोग प्रभावित कर रहे हैं जिससे ये गुजरात का इलेक्शन प्रभावित हो जाए, कोई कांग्रेस के पक्ष में, कोई आपके पक्ष में, लेकिन मैं ज्योतिष की गणना के अनुसार बता रहा हूँ। नोट कर लीजिए, आप 8 दिसंबर को देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में BJP की सरकार मेजॉरिटी से बन रही है। मेजॉरिटी थिन हो वो अलग बात है, पर 39 प्लस 5 माइनस 3-4 यानी 36-37 से लेकर 42 तक सीट फैल सकती हैं। तो ये तो रहा मित्रों हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट चुनाव का। अब देखिए, गुजरात पे आता हूँ मैं। गुजरात में भी तरह तरह की बातें आ रही हैं। आप पार्टी ने बड़े प्रलोभन दिए, मैं आपके खिलाफ नहीं, ना आपके माफिक हूँ, लेकिन मुझे आपका फंक्शन, आपके नेता, आपके शिरोमणि जी जो हैं पार्टी के सबसे बड़े लीडर, जो खुद ही करता धरता है, उनके विचार, उनका सोचना, उनका कार्यकलाप सब उसने मुझे कोई प्रभावित नहीं किया, और ना ही उनकी जन्मपत्री ने प्रभावित किया। और रहे राहुल बाबा तो देखिए, पार्टी का, कांग्रेस का तो भट्टा बैठ रहा है धीमे धीमे। मैं एक जमाने में बहुत तगड़ा कांग्रेसी सपोर्टर था, मेरे घर के सब लोग, मेरे पिताजी वगैरह सब बहुत कांग्रेसी रहे पुराने जमाने, बल्कि कांग्रेस से MLA की सीट, MLC की सीट, ये सब 1952-57 में, तो मैं कांग्रेस का बड़ा पक्षपाती था। लेकिन कांग्रेस के खुद क्रियाकलापों ने, कांग्रेस के शर्म, और लोग कहते हैं कि BJP भी तो विशेष पार्टी है, परिवारवादी। अरे बाबा, पार्टी परिवारवादी पार्टी का मतलब जिसका पार्टी का चीफ यानी पार्टी का अध्यक्ष या उसके चलने वाले वो परिवार होता है, पार्टी चला रही परिवार, वरना पार्टी के मेंबर्स का तो बेटा या बेटी तो आगे आएगा, वो तो अपने कर्मों से आगे बढ़ रहा है। पार्टी के और मेंबर, MLA, मिनिस्टर, उनका बेटा आता है तो वो परिवारवादी पार्टी नहीं कहलाती है। परिवारवादी पार्टी वो है जिसका के चीफ, कांग्रेस का तो गांधी परिवार का ही आदमी को चीफ हो सकता है, पहली बार बदला है, और एक आध बार छोटा और बदला था, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोल उनके हाथ में रहा, तो वो परिवारवादी पार्टी है। जैसे मुलायम सिंह की पार्टी है, समाजवादी पार्टी कहाँ है, मुलायम सिंह की पार्टी है वो। लालू प्रसाद यादव की पार्टी कहाँ है, लालू की।
उसमें जो और मेंबर्स के लोगों को संतान को तो मिलेगी, संतान अपना कार्य कर रही है तो उसको तो सीट वीट मिलेगी, तो परिवारवादी पार्टी नहीं है। अगर पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष उस परिवार के लोग बने रहते हैं हमेशा, वो पार्टी परिवारवादी कहलाती है। कि परिवार ही, एक परिवार ही कंट्रोल कर रहा है, कि यादव परिवार, मुलायम सिंह परिवार, लालू यादव परिवार, वो कर रहा है कंट्रोल। जिन पार्टियों का कंट्रोल ये कि परिवार के हाथ में रहता है, वो पार्टी परिवारवादी कहलाती है। बाकी तो परिवार के अलावा के लोग खड़े होंगे, उनके बच्चे भी खड़े होंगे, लेकिन मेरा इससे कोई वो कनेक्शन नहीं है। मेरा कनेक्शन तो ये है कि व्यर्थ में भ्रम पैदा करके लोगों ने समाज में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया। देखिए गुजरात का इलेक्शन बताऊँ मैं, गुजरात में भी बीजेपी सरकार बना रही है, 110 प्लस माइनस 5 सीट ला करके, यानी 115 हो सकती हैं, 106 107 भी हो सकती हैं, 110 प्लस माइनस 5। बीजेपी इज मेकिंग गवर्नमेंट इन गुजरात 100%। व्यर्थ की बातें मत करिए कि कांग्रेस आ गई, आप आ गई, आपने लालच दिया, अरे बिजली फ्री कर दोगे तो कहाँ से पैसा आएगा, सरकार कहाँ से चलेगी, फिर भी दिल्ली की तरह रहोगे। कोई चीज़ फ्री नहीं चाहिए, फ्री होने से कुछ सरकार तरक्की नहीं करती है, तो याद रखिएगा, टैक्स दीजिए, पैसा दीजिए, सब काम करिए। लालच दे करके सरकार नहीं बनेगी। गुजरात के लोग बड़े समझदार हैं, जानते हैं, और गुजरात के लोग जरूर अच्छा काम करेंगे। यानी क्या अच्छा काम करेंगे कि जो प्रॉपर पार्टी है, कर्मशील पार्टी है। और देखिए याद रखिएगा, मोदी का कोई अभी नक्षत्रों के हिसाब से सामना नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं। तो जैसा मैं बता रहा था कि मोदी का ग्रह नक्षत्र भी ऐसे हैं और मोदी के कार्यकलाप भी ऐसे ही, उनके अनुसार ही, कि मोदी सन 26 से पहले कहीं नहीं जाने वाले। सन 26 में भी स्वेच्छा के अनुसार ही वो राजनीति से संन्यास लेंगे, और उनका स्थान फौरन उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी ले लेंगे। योगी जी के ग्रह नक्षत्र भी अभी तो ऐसे दिख रहे हैं, मुझे कोई अपोजिशन का आदमी एक भी इस लायक नहीं है जो इनको, मोदी योगी को अपोज करने लायक हो, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी या पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश की पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी। कांग्रेस का तो बिल्कुल बैठना है, कांग्रेस तो ख़त्म होनी है, कि कांग्रेस के लीडर्स ने उसका सत्यानाश कर दिया। और अब जो है, आप हमारे वर्तमान जो बने हैं अब अध्यक्ष, वो बेचारे कहाँ तक उठाएंगे, उत्तर भारत में तो बहुत मुश्किल है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, योगी जी सन 26 में प्रधानमंत्री बनेंगे, और योगी जी के ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, उनकी जन्मपत्री के हिसाब से 20 साल तक उनका अच्छा समय है। 20 साल तक योगी जी छाए रहेंगे पॉलिटिक्स में, तो इसलिए अपोजिशन वालों, व्यर्थ में आप प्रयत्न मत करो, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्यों, आप इस लायक कोई है ही नहीं। अपोजिशन तो ख़त्म है अपोजिशन, और व्यर्थ की बातें आप जो उड़ा उड़ा करके झूठी झूठी बातें फैला के करते हैं। अरे भाई काहे को व्यर्थ की, अपने इंसान के पीछे, अपने देश के प्रधानमंत्री को इतनी बुरी तरह से गाली देते हैं आप, शर्मनाक स्थिति बना दी है आपने। मैं कोई किसी पार्टी का पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कुर्सी की कदर करना सीखो। तुम कुर्सी की कदर करोगे तो तुम्हारी कुर्सी तुम्हारा कदर करेगी। गाली दे करके तुम्हें पद प्राप्त नहीं हो सकता। अब राहुल बाबा ने चोर चोर हल्ला मचाया, मोदी चोर है, मोदी चोर है, उसका फल क्या निकला, और ज़्यादा सीटों से मोदी जीत के आया। तो किसी को गाली दे करके तुम सक्सेस नहीं पा सकते हो। अपने कार्य का प्रचार करो, अपने बारे में प्रचार करो, अपने कार्यों के बारे में प्रचार करो, न कि दूसरे को गाली दो, दूसरे को चोर बताने से, दूसरे को भ्रष्टाचार। अरे भाई बड़े बड़े बिजनेस हाउस को तो सपोर्ट करना ही पड़ता, हर पार्टी ने किया है, बिना उसके सपोर्ट के कहाँ से चंदा आएगा, पार्टी कैसे चलेगी। तो ये सब बदनाम करना के साथ अडानी अंबानी फलाना पार्टी, दो ही पार्टी की, अरे कांग्रेस के ज़माने में ये होता था, वहाँ कई लोग सब अडानी अंबानी जैसे थे, और अडानी अंबानी को बनाया किसने, अडानी अंबानी आए कहाँ से, ऐसे लोग सब जो है कांग्रेस के बनाए हुए हैं।
क्योंकि बिना इन लोगों के चंदा दिए हुए पार्टी चलती नहीं है, तो इनको सपोर्ट तो करना ही करना है भाई। इनको तो ऐसे रूल बनाने पड़ते हैं जो कि पार्टी चलाने के लिए हर पार्टी करती है, और ये बड़े सेठ लोग भी चंदा भी हर पार्टी को देते हैं इस उम्मीद में पता नहीं कौन सी पार्टी कहाँ आ जाए। तो ये तो मेरा ज़्यादा कोई मेरे ऐसे वो नहीं है, मैं तो केवल ये बता रहा हूँ कि हिमाचल में 39 ± 5 से BJP सरकार बना रही है, और गुजरात में 110 यानी 110 ± 5 सीट से सरकार बन रही है BJP की। नोट कर लीजिए, जब रिजल्ट आए तो बताना मेरे को। तो मैं यहाँ विश्राम लूँगा, नमस्कार।